क्या आप लोग भी कॉलिंग के समय कहीं पे कॉल करते हैं अपने फ्रेंड के पास या अपने फैमिली के पास, तो आपके साथ एक इशू आती है कि आप लोग का जो डिस्प्ले का लाइट है वो ब्लैक हो जाता है। तो जो है इस प्रॉब्लम को आप लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जिन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना, वो उनका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो सके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की ओर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इशू की बात है। तो ये इशू आने की सिर्फ दो कारण है। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि अगर आप लोग का प्रॉक्सिमिटी सेंसर अगर डैमेज हो चुका है तब ये इशू आती है। और दूसरा जो रीज़न है गाइस, वो है आपकी डायल पैड की सेटिंग्स है। अगर आपने डायल पैड की सेटिंग में कोई ऐसा सेटिंग किया था जिससे कि ये इशू आता हो तब ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो खैर, आप लोग किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा आपको अपने डायल पैड में जाना है। सो गाइस, जैसे कि मैं अपने डायल पैड में आया हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है कि थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेटिंग पर चले जाना है, ठीक है। जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर का, ठीक है। आप लोग चाहो तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो टर्न प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है टर्न ऑन प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो आपको क्या करना है कि इस ऑप्शन को यहाँ पे जो है ऑन होगा तो आपको इसे ऑफ कर देना है। जैसे आप लोग ऑफ़ कीजिएगा ना, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर से आ रहा था। तो आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।